हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं आ गई हूँ फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। रिक्वेस्टेड वीडियो थी, किसी सिस्टर ने हमसे पूछा था कि हिना पैक बनाकर देती है, अपने बालों में अप्लाई करो या किसी दूसरे के बालों में अप्लाई करो, और आप कैसे बनाती हो ये भी बताना। तो इस वीडियो में बताऊँगी आपसे, एक तरीके का टोटका भी लगेगा बालों को लंबा होने में, और किस बर्तन में हमें मेहंदी घोलनी है और कैसे घोलनी है, बना के रखनी है, वही सब मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये जो रेमेडी हेयर पैक बना रही हूँ मैं, ये 101% हमारे बालों पर वर्क करता है। और ये मैं अपने बालों पर आपको लगा के दिखाऊंगी, लाइव प्रूफ दिखाऊंगी। और इससे क्या हुआ था, हमारे बाल नरिश एकदम, और मोटे भी होंगे, लंबे होंगे। और ये सब जो नींबू का बीज है हमें साइड में निकाल देना है। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी थी हिना पैक बालों में लगाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने इसमें लौंग, मेथी दाना और चाय की पत्ती, इन सब का पानी पकाया था। और पानी पकाने के बाद मैंने इसे इना पैक में मिला लिया। और इसमें 2 पाउच मैंने मेहंदी के पत्ते के लिए थे। और यहीं पर मैं पहले एक छोटे से बाउल में घोल रही थी, लेकिन मुझे उसमें नहीं घोलना था, उसमें केवल मैंने मिलाया था। और यहाँ पर मैं एक टोटका बता रही हूँ आपको, ये लगता है हमारे यहाँ पर बोलते हैं, तो लोहे की कढ़ाई में सब लोग करते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया। और आपको ये लगाने से पहले एक टेस्ट जरूर कर लेना है कि आपको मेहंदी सूट करती है या नहीं करती है। मुझे सूट नहीं करती थी, लेकिन मैं पहले टेस्ट की कि ये मेहंदी इस तरीके से बनाएंगे तो सूट करेगी या नहीं करेगी। तो मुझे ये मेहंदी सूट करी, 100% सूट करी, और मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई मेहंदी लगाने में। तो यहाँ पर मैंने इसमें लौंग, मेथी दाना और चाय के पत्ते का पानी पिला मिलाकर पकाकर उसमें घोल के रख दिया था। और वो भी तवे में, लोहे की कढ़ाई में नहीं घोल के रखा था, और वो उसमें मैंने तवे पे घोल के रख दिया था 2-3 घंटे के लिए। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर अपने बालों में मेहंदी लगाने के लिए। तो यहाँ पर मैं अपने बालों में मेहंदी लगा लेती हूँ। बीच से अपने बालों की मांग डिवाइड करनी है, दोनों तरफ बाल डिवाइड कर लेने, आधे आधे कर लेने हैं, और बीच से हमें लगानी शुरू कर देनी है। और यहाँ पर बीच बीच में कॉम्बिंग करते रहेंगे और बाल साइड में करते रहेंगे। और यहाँ पर हम इसी तरीके से बालों को हटा हटा कर पूरे सर में अपने मेहंदी लगाते रहेंगे। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि अंदर तक मेहंदी का जो गुण होता है, जो इसमें प्रोटीन, विटामिन या अच्छी सी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो भी कहते हैं आप लोग, वो सब इसमें हमारे बालों को अच्छे से पोषण करते हैं हमारे बालों का। तो यहीं पर मैं बालों को हटा हटा के सारे में मेहंदी को अप्लाई कर लेती हूँ, और फिर मैं इसमें बना लूँगी बन। अब बात आती है, आप कहोगे कि तवे में ही क्यों, आप एक बार करके देखना तब मुझे बताना। क्योंकि कढ़ाई है मेरे पास, लेकिन मैं बताई हूँ आपको अपना एक्सपीरियंस। तो मैंने तवे में ये जो हिना पैक था बना के रख दिया था। तवा भी लोहे का ही होता है, कढ़ाई भी लोहे का होती है, लेकिन कुछ बात होती है हर चीज़ में, बड़े बूढ़े भी कुछ बात मानते हैं ना कहीं भी। तो इसीलिए तो मैंने इसमें बना के रखा था ये। और मुझे से ना बिल्कुल पसंद नहीं होती है मेहंदी, इसलिए मैं ये वीडियो नहीं बनाती थी हिना पैक वाली, क्योंकि मुझे से ना अगर मैं हाथों में मेहंदी लगाती हूँ तो मुझे ना हाथों में ना खुजली होने लगती है। अभी 2-4 साल से पहले कभी नहीं होती थी, बचपन से ये प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मैं डरती थी कि कहीं लगाऊंगी बालों में तो प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन फिर मैंने ये आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरी करने के लिए मैंने अपने बालों में अप्लाई किया। कोई और मेरे पास नहीं था जिसके बालों में मैं अप्लाई कर देती, तो मैंने इसमें लौंग मिलाई थी, और ये मेथी दाना मिलाया था, और चाय की पत्ती का पानी मिलाया था, और इसमें मैंने एक बड़ा नींबू काट के उसका रस मिलाया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे तनिक भी ना तो सिर में दर्द हुआ, ना ही खुजली हुई, और ना ही कोई प्रॉब्लम हुई, और बालों में इतना अच्छा कलर निकल के आया था। और बाल बिल्कुल लाल नहीं होंगे आपके, जो लाल बाल अच्छे नहीं लगते ना, भद्दे भद्दे से लगते हैं मुझे तो, आपका पता नहीं आपको अच्छे हैं लगते हैं नहीं। तो वहीं पर एक ब्राउन कलर आया था, डार्क ब्राउन कलर बालों में, और इतने सुंदर लग रहे थे, शाइनिंग हो गए थे बाल बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर मैं अपना पूरा ये पैक बालों में लगा के छोड़ देती हूँ। तब तक मैं अपने घर के सारे काम, कपड़े, बर्तन, ये जो रहता है वही सब काम कर लेती हूँ। टाइम नहीं रहता ना हम लेडीज़ों के पास फालतू, तो इसीलिए इसे लगा के मैं बाकी काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी थी लगा के बालों में मेहंदी। तो फिर उसके बाद आती है हमारी हेयर वॉश की बारी। तो यहाँ 3-4 घंटे हो चुके थे मुझे लगाए हुए, और इससे तनिक भी कुछ गड़बड़ बालों में नहीं हुई, बल्कि मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मुझे पता नहीं चल रहा तूने कुछ लगाया है अपने बालों में। तो यहाँ पर आ गई थी हेयर वॉश करने की बारी। तो यहाँ पर मैंने बाल्टी में पानी ले लिया है, और इसी से मैं मक्के डाल डाल के अपने हेयर से जितनी भी मेहंदी मैंने लगाई है बालों में सारी निकाल देती हूँ। तो जिस तरीके से मैंने बताया है आपको, लौंग, थोड़ी सी लौंग, 10-5 लौंग, और थोड़े से 1 चम्मच मेथी के दाने, और 1 चम्मच
चाय की पत्ती मिला के आपको उसका पानी पका लेना है, और जब पानी आधा रह जाए तब उसी से हमें अपना ये हीना पैक बना लेना है। और अगर पानी कम पड़ जाता है तो आप सिंपल पानी मिला सकते हो, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। मैंने भी सिंपल पानी मिलाया था, तो इसलिए आप टेंशन ना लो, सीधा पानी मिला लेना उसमें, और अपने पतला घड़ा जैसे भी आप चाहते हो वैसा बना लेना। ज़्यादा पतला मत करना वरना वो फिर बहने लगता है। तो यहाँ पर मैं अपने हेयर वॉश कर लेती हूँ, और आपको ध्यान रखना है कि बालों में मेहंदी लगाने वाले दिन आपको शैम्पू बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो लेकिन आपको मेहंदी लगाने के बाद शैम्पू कभी नहीं करना। तो यहाँ पर आ गई थी हेयर डंक करने की बारी, जो सबसे मेन पॉइंट होता है, क्योंकि तो इससे ये होता है कि सारे बालों की जो मेहंदी होती है हमारी, सारे मेहंदी बालों की निकल जाती है, एक एक कण उसका जो बुरादा सा होता है बीच बीच में चूरा जैसा, वो सब निकल जाता है। तो यहाँ पर ये करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और इससे हेयर लंबे भी होते हैं, ग्रोथ होती है बालों में इसकी। तो यहाँ पर मैं अच्छे से उंगली घुमा घुमा के बालों में हेयर डोंग कर लेती हूँ, ताकि मेरे बालों से अच्छे से मेहंदी निकल जाए। तो आप यहाँ से देख सकते हो धुलने के बाद भी कितना मेहंदी मेरे बालों से पानी में निकला है। और इसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको रिजल्ट इसका। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, एक तो मेरे बालों की ग्रोथ देख सकते हो आप, लाइव प्रूफ देख सकते हो, इसमें झूठ फेंक लिया मैं, कोई इधर की पिक्चर वगैरह नहीं लगाती हूँ, केवल अपनी ही इसमें लगाती हूँ जो भी रियल होता है। आप यहाँ पर मेरे बालों की कंडीशन देख सकते हो, और कितना प्यारा डार्क ब्राउन कलर आया था कि मैं देख के हैरान रह गई, और मुझे खूब खुशी लग रही थी। और आपसे चलते चलते ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में घंटी को दबाकर ऑल को सेट कर दीजिए। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो से, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।